वी वन वेलकम टू करियर कैंप आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दैट इज डाटा एनालिसिस यस सो इफ यू वांट टू बी अ डाटा एनालिस्ट या फिर आपने ये टर्म सुनी हुई है कि भाई इसका बहुत स्कोप है तो आप हम हाँ, होमवर्क करना चाह रहे हैं कि क्या, है, क्या है इसकी डिटेल्स क्या है इसमें कौन से सब्जेक्ट्स रेलिवेंट हैं आपको कौन से स्किल्स होने चाहिए आपके पास व्हाट डू यू हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू बिकम अ डाटा एनालिस्ट तो आज हम इसमें डिटेल पर बात करेंगे एंड बट एवरी वीडियो आई चूज़ जो भी टॉपिक हम जिस भी प्रोफेशन का चूज़ करते हैं आई डू डिटेल्ड रिसर्च ऑन दैट ताकि आपका टाइम उसमें बचे और फिर हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि कर जो उसकी मेन आउटलाइन होती है मेन उसमें आ, हमारी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स uh, होते हैं उनको हम आप तक पहुँचाते हैं डाटा एनालिस्ट जो है वो करता क्या है हम पहले वो एक्सप्लेन करेंगे आपको डाटा एनालिस्ट जो होता है उसका बेसिकली काम होता है डाटा कलेक्ट करना उसको एनालाइज करना उस डाटा को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं वो फिर हाइपोथेसिस भी देते हैं आपने हाइपोथेसिस अपने साइंस में सुना होगा कि भाई आप पहले एक हाइपोथेसिस uh, देखते हो कोई भी चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि ब्रूट कॉफ़ी या इंस्टेंट कॉफ़ी में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है तो वो रिसर्च तो मेरी मेरीदा होगी वो लेकिन उससे पहले हो सकता है मैं अपना हाईपोथिस ये दूँ कि ब्रूट कॉफी इज़ मोर अफेक्टिव एंड लेस हार्मफ़ुल दैन इंस्टेंट कॉफ़ी तो ये जो है ये मेरा हाईपोथिस है अब इसको मुझे सपोर्ट करना है या फिर इसके अगेंस्ट बात करनी है ये मेरा सारा कुछ रिसर्च पे डिपेंड करेगा अब जो भी मैं रिसर्च करूँगी वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या फिर उसके अगेंस्ट आ रहा है वो मेरी रिसर्च उस चीज़ को प्रूव करेगी यही चीज़ डाटा एनालिस्ट भी करता है वो डेटा कलेक्ट करता है और डाटा जो जिस बारे में उसने कलेक्ट करना होता है उसका एक हाई होता है फिर उस डेटा को उसके अगेंस्ट वो एनालाइज करते हैं फिर उन्होंने किन सोर्सेज से वो डाटा कलेक्ट करना होता है उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना होता है उसको मजीद फ़िल्टर करना होता है और डेटा को स्टोर किस तरह करते हैं फिर उन्होंने आइडेंटिफाई करनी होती है प्रॉब्लम्स अगर वो किसी भी कंपनी या बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने उस डेटा के थ्रू उनकी हेल्प किस तरह करनी है उसके बिज़नेस को मजीद प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है और उनके कंज्यूमर्स अगर वो सेल कर रहे हैं कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल uh, जैसे एप्पल और हम विंडोज़ को अगर ले लें दी दे आर दे आर टू ऑफ द वेरी प्रमानेंट एंड बिग कम्पटेटर्स इन द मार्केट वन इट कम्स टू कम्प्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स तो जब इनकी बात की जाती है इनके पास भी डाटा अनालिस्ट हैं जो कि इनके डाटाज कलेक्ट करते हैं इनके यूज़र्स के, के वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कौन से यूज़र्स कौन से प्रोडक्ट्स उनको अगर एप्पल में कोई चीज़ पसंद है तो वो कौन सा फ़ीचर पसंद है जिसकी वजह से वो लोग एपल की तरफ जाते हैं और एप्पल लेते हैं सेम थिंग अगर विंडोज़ में अगर उनको फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में कोई चीप सॉल्यूशन मिल रहा है और उसी में थोड़ी सी अगर हम क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करें अक्सर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी होती है इट्स ऑल अबाउट ब्रांड कि उनको वही चीज़ चीपर सॉल्यूशन मिल रहा है उनको एंड्रॉइड में तो वो कौन से यूजर्स है वो वाली मार्केट कौन सी है कि दे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द प्राइसिंग एंड द ब्रांड नेम बट दे केन दे वॉन्ट द सेम रिजल्ट ठीक है तो ये सारा काम जो होता है यूजर uh, जो है बिहेवियर को देखना उसके जो uh, उसकी जो बाइंग पावर है और वो किस तरह से उसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं और उसका जो बिहेवियर है उस सब चीज़ों को उसके डेमोग्राफिक्स जो होते हैं इन सब चीज़ों को जो एनाल करता है वो डाटा अनालस करते हैं तो so ये बेसिकली हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि डाटा अनालिस्ट होते क्या है अब अगर हम इनकी डिटेल्स में जाएं कि डाटा डाटा एनालिस्ट जो है उसको अगर आपने उस फील्ड uh, में जाता है जाना है एनालिसिस की तो व्हाट सब्जेक्ट्स वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्या आप कौन से सब्जेक्ट सीखोगे तो वो हम कहते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स आता है येस यू हैव टू बी वेरी गुड इन मैथ्स इट्स लाइक डाटा यू कैन कॉल अ डाटा एनालिस्ट मैथ एंड इंफॉर्मेशन डिटेक्टिव yeah so he has to search about uh, different informations and data and he has to do some maths with it na उसको उसमें चीजें देखनी है विच इज गुड एंड इज़ नॉट किसको माइनस करना है किसको कहां से लेकर आना है उसको सारे जो इंफॉर्मेशन है उसको सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट करके और सक्सेसफुली आप एक प्रेजेंटेशन में किस तरह लेके आते हो उसमें कुछ हद तक मैथ्स इन्वॉल्व होता है फिर हमारे पास आ जाते हैं स्टेटेटिक्स स्टेटेटिक्स जो होता है जिसको हम स्टैट्स भी बोलते हैं इसमें आप जो चीजें सीखते हो ये आपका स्टैट्स जो है वो डाटा एनालिसिस की तरफ लेके जाता है आपको ये जो सब्जेक्ट है और इसमें जो आप चीज़ें सीखते हो वो मैंने आपको अभी बात बताई है इसमें आप डाटा एनालिसिस सीखते हो डाटा कलेक्ट किस तरह करना है फिर उसको हाइपोथेसिस किस तरह करना है फिर उस पर आप इस पर भी बात करते हो कि आपने डाटा स्टोर कैसे करना है एंड हाउ डू यू प्रेजेंट दैट डाटा तो इससे रिलेटेड जितनी भी जो स्टार्ट हैं जो इस तरह के स्टेस्टिक्स हैं डाटा से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कुछ आपके रूल्स होते हैं जो कि आप हर मार्केट में तकरीबन ऑन एंड ऑफ वही चलते हैं तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हो फिर आ जाता है कंप्यूटर साइंसेस यस तो अगर आपने कंप्यूटर साइंसेस में कुछ पढ़ा है या फिर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो भी आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ के इस फील्ड की तरफ जा सकते हो और वो क्यों क्योंकि जब आप डाटा एनालिसिस में जाते हो तो टुडेज वर्ल्ड इज वर्चुअल वर्ल्ड ठीक है तो, तो उसमें आप इंटरनेट और इतनी चीज़ें इतना डाटा हमारा अवेलेबल है जो ऑनलाइन है इंटरनेट पे अवेलेबल है और आप ख़ाली उन्हीं को एनालाइज करके आप बड़ा सक्सेसफुली जो है अपना रिजल्ट निकाल सकते हो किसी के लिए तो इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना जरूरी है जिसमें आप डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हो कोडिंग सीखते हो पाइथन है आर है तो ये जब आप कोडिंग सीख लेते हो आपको पता चल जाता है कि आप जो कोडिंग है वो आपके लिए शॉर्टकट है किसी भी एक बहुत लेंथी चीज़ को आप छोटे तरीके से शॉर्टकट तरीके से जो है वो हासिल कर लेते हो रिसीव कर लेते हो या दे देते हो और कमांड अपने आ, अपने सिस्टम को तो जब आप पाइथन सीख लेते हो यार ये लैंग्वेजेस जब आप सीखते हो आपको कोडिंग भी आ जाती है और डी कोडिंग भी आ जाती है तो आपके लिए डाटा कलेक्ट करना डाटा एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है इसके एग्जांपल मैं आपको बड़े आसान से तरीके से दूंगी कि आपने अगर जाना है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा या किसी भी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है और आप उस वहाँ से डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो आपकी मार्केट ही वो है ठीक है तो आप क्या करोगे अब आपको तो लैंग्वेज वो आती नहीं है या तो आप वो लैंग्वेज को सीखोगे या फिर आप एक अपने साथ गाइड रखोगे जो कि ट्रांसलेटर का, का काम करेगा ठीक है तो फिर आपके लिए वो डेटा कलेक्ट करना आसान भी होगा और उसको डी करना भी आसान होगा और तभी ऑब्वियसली आपको उसका फायदा भी हो सकेगा फिर हमारे पास आ जाते हैं डाटा विजुलाइजेशन डेटा विजुलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यूट्यूब पे जाओ और अगर आप यूट्यूब एलग्रिजम की बात करो जो कि आजकल बच्चों में बहुत इन हैं हम ये चीज़ें बहुत स्टडी भी करते हैं क्योंकि मैनी पीपल आर वर्किंग एज इन्फ्लुएंसर और कॉन्टेंट क्रिएटर्स तो आप जाके यूट्यूब एलग्रिदम चेक करते हो कि भई हमारी व्यूज़ किस तरह से आए हैं डेमोग्राफिक्स कौन से हैं इसमें किस जगह से कौन से लोग देख रहे हैं और वो सर्च किस चीज़ की कर रहे हैं एंड हाउ दे आर रीचिंग टूवर्ड्स और वीडियोज़ तो ये जो चीज़ें होती हैं ये जो एलग्रिदम होता है ये भी एक वही तरीका होता है और ये आप देखो तो वो ग्राफ्स के थ्रू आपको, 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 आपको दिखा देते हैं तो ये सारी चीजें जो होती हैं यह आप डाटा विजुलाइजेशन में सीखते हो इसमें भी कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं जिसमें डी थ्री है जिसमें जिसमें टैबलो है जिसमें पावर भी आए है तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी आप स्टडी करते हो अगर आप इस तरफ आओगे और इनमें आपको डाटा डेटा विजुलाइजेशन जो है कि आपने उसी डेटा को जो आपने कलेक्ट किया है जो आपने अभी फिल्टर भी कर लिया है आपने उसको स्टोर करना है बट आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे तो ये सारी चीजें जो है आप इस चीज में सीखते हो नेक्स्ट कम्स डेटा मैनेजमेंट डेटा मैनेजमेंट जो है अब आपने सारा कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया ठीक है नाउ यू हैव टू मैनेज इट वेरी क्लेवरली अदरवाइज आपने जितना डेटा कलेक्ट किया है वो अब कितना आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और कितना नहीं पहुंचाएगा और मे बी अगर आपने कुछ चीज़ इकट्ठी किया वो अभी आपके इतने परसेंट काम आ रही है बट यू नीड टू स्टोर दैट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव टू स्टोर फॉर फ्यूचर क्योंकि अगर आप उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो मे बी इन फ्यूचर उनको वही चीज़ हेल्पफुल हो तो ये जो मैनेजमेंट है डेटा स्टोरिंग है और ये सारी चीज़ें हैं ये आप इस चीज़ के अंडर आके सीखते हो डाटा मैनेजमेंट में इसमें आपको एस क्यू एल जो है वो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है वो डेटा एनालाइजेशन में रिसीविंग में और डेटा मैनेजमेंट में ये चीज़ें हेल्प होती हैं तो वो काफ़ी चीज़ें आपके लिए शॉर्ट भी हो जाती है और मैनेजेबल हो जाती हैं अगर आपको ये सॉफ्टवेयर आते हो और ये फॉर्मूलाज पता हों फिर हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग अगर आप कुछ साल पहले की बात करते तो डाटा एनालिसिस जो थे जितने भी वो मोस्टली एक्सेल वगैरह और इन चीज़ों के थ्रू ही सिर्फ अपना काम कर लेते थे लेकिन अब क्योंकि ये पे ए आई का जमाना है और अभी हमारे काम बहुत आसान भी हो गया बट फॉर देट यू हैव टू लर्न एन एक्स्ट्रा स्किल आपको एक और चीज़ें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप उस मार्केट में कंपटिटिव के बराबर काम कर पाते हो या उनसे बेहतर आपको दे सकते हो तो उसके लिए मशीन लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये ए आई पावर्ड इसमें आपको चीज़ों का पता चलता है इन आपको सॉफ्टवेयर का पता चलता है कि ए के थ्रू आप एल्गोरिदम किस तरह बनाते हो डाटा किस तरह से कलेक्ट कर लेते हो और ये जो आ, काम करता है इसका बेसिकली ये काम होता है कि ये ह्यूमन माइंड को ही फॉलो करते हुए कि हम जिस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसी से एक्स्ट्रैक्ट uh, करके अपने यूज़फुल चीज़ें निकाल के नॉलेज इंफॉमेशन निकाल के हम बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं किसी चीज़ को तो यही फॉर्मूला एआई यूज़ करता है उसका एल्गोरिथम यूज़ करता है जिसकी हमें वर्किंग पता चलती है जब हम मशीन लर्निंग सीख जाते हैं तो इसमें आपको फिर इस सारी चीज़ों में बड़ी हेल्प मिलती है आपकी और आजकल बहुत डिमांड है इस चीज़ की जिसमें आपको मशीन लर्निंग का पता हो इफ़ यू नो दिस सब्जेक्ट इफ़ यू कैन हैंडल इन ए पावर्ड एल्गोरिदम आप उसको बना सकते हो या आप उसको मैनेज कर सकते हो दिस कैन बी वन ऑफ़ द बेस्ट एंड प्रॉफिटेबल स्किल्स फॉर यू इन दिस वर्ल्ड ठीक है अब इसकी हमने सबकी बात कर ली है इसके बाद आपके आ जाता है बिजनेस एंड डोमेन नॉलेज तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मतलब इट इट इज़ नेसेसरी क्योंकि आपने जिस भी कंपनी के लिए या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है तो आपने उनके बिज़नेस से रिलेटेड या वो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उनकी जो कंज्यूमर मार्केट है जो क्लाइंटल है उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा कलेक्ट करना है तो जब तक आपको उस बिज़नेस की या उस डोमेन की अच्छी नॉलेज नहीं होगी यू कैन नॉट डू दैट सक्सेसफुली इवन इफ़ यू गो फॉर एन इंटरव्यू आप अगर एप्पल के पास जाते हो या गूगल के पास आते हो कि मुझे जॉब चाहिए I'm a really good data analyst. लेकिन आपको उसका नहीं पता कि एक्चुअली डू व्हाट इज देयर हिस्ट्री उन्होंने उसमें कितना काम कर लिया है? What are, what are their demographics, उनके वो कहां, कहां पे अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करें किस किस तरह की चीज़ें उसमें ग्रेडिंग है नहीं है तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है अगर आप इंटरव्यू में उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो उनको ये बड़ा एक पॉजिटिव आपका इम्प्रेशन उन पर पड़ता है कि भाई अच्छा हमें इस चीज़ पर काम नहीं करना पड़ेगा हमें इस, इसको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा ट्रेन करने में ही नोज आस इसको पता है हमारी चीज़ के बारे में तो इट विल बी ईजियर फॉर हेम टू एनालाइज द डाटा एज कंपेयर टू समन डजेंट नो एनी थिंग अबाउट आस ठीक है और इवन लेसर तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती है इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो एथिक्स हैं इसमें बहुत काउंट करता है डेटा प्राइवेसी ये जो चीज़ है क्योंकि आपको पता है अक्सर हम स्कैंडल्स वगैरह न्यूज़ पे भी सुनते हैं कि वो डेटा लीक हो गया ऑनलाइन इंटरनेट पे पड़ा हुआ है फससेल और फिर उस पर लोगों पर वो भी हो जाते हैं मुकदमे भी हो जाते हैं और मतलब लोग उनके जो है बैंक हो जाते हैं उसके पीछे उनकी कंपनीज बंद हो जाती हैं तो ये आप अगर किसी का डाटा हम जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप देखते हो एक एग्रीमेंट आता है लाइसेंस आता है ठीक है जब तक आप वो एग्री नहीं करोगे इन रूल्स को रेगोलेशन को यू के नॉट यूज़ दी ऐप वो क्यों होता है क्योंकि उन्होंने आपका डाटा कलेक्ट करना होता है और आप भी उनको परमिशन दे रहे हो सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वट data they are collecting and how they will use it. QK अगर आप वो एक्सेप्ट कर लेते हो फिर आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने उसकी इजाज़त उनको खुद दी है और अगर आपको नहीं पता और उन्होंने अगर ऐसी किसी तरह आपका डाटा यूज़ कर लिया है मैनिपुलेट कर लिया है कि जिसका आपने उनको परमिशन नहीं दिया तो यू कैन एक्चुअली फ़ाइल केस अगेंस्ट दैम तो बाहर तो ये बहुत होता है बट इधर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं तो इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको इस चीज़ों का पता होना चाहिए प्राइवेसी का और एथिक्स का कि क्या रूल्स हैं लॉज क्या है हमारे हर जगह के डिफरेंट लॉज होते हैं तो इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है फिर हमारे पास अगर कुछ स्किल्स की बात सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें सॉफ्ट स्किल्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप डाटा एनालिसिस की बात करते हो यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट पीपल यू हैव टू वर्क इन ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उसकी नेचर काफ़ी डाइवर्स हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वट वट और हु यू आर वर्किंग फॉर ठीक है तो उसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब तक नहीं आएगी हाउ यू स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड हाउ यू फिनिश इट वो पूरी जो चीजें हैं आपने उस प्रोसेस को किस तरह लेके जाना है उसको आसान किस तरह बनाना है और किसके मुताबिक कैसे काम करना है तो आपके लिए काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर कम्युनिकेशन आती है आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर किसी के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हो बट आप उसको सक्सेसफुली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो आप अगले को बता नहीं पा रहे हो कि वट यू हैव डन दैन इट इज ऑफ नो यूज आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका या किसी को आपके काम का कोई फायदा नहीं होगा तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना पड़ेगा और आप अगर इसका सब्जेक्ट ले लेंगे या इसमें कुछ ट्रेनिंग ले लेंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू तो ये बेसिकली अगर आप बात करो हमने इतना लंबा जो आपको लेक्चर बताया है वो इस बारे में है कि डाटा एनालिस्ट जो है उसकी एक्चुअली जॉब क्या है वो किन सब्जेक्ट्स पे काम करता है कौन सी स्टडीज़ उसके लिए ज़रूरी होती हैं सॉफ्ट स्किल्स कौन से ज़रूरी होते हैं आपको कौन सी चीज़ें आनी चाहिए तो आई होप कि आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी एक गाइडेंस मिल जाएगी ये वीडियो देखने के बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरेस्टेड इन बींग अ डाटा अनालिस्ट तो आपके लिए हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आई होप डैट यू फाउंड इट सम हाउ इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है या नॉलेज हासिल करनी है आप हमें बताएं एंड विल डू अ डिटेल्ड एंड हेल्पफुल गाइडिंग वीडियो फॉर यू ऑल्सो प्लीज़ डोंट फरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो कॉमेंट बिलो लो क्योंकि जब तक आप हमें सपोर्ट ही करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हमारा गोल यही है कि हम हर फील्ड और करियर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस काउंसलिंग मोटिवेशन हर नॉलेज जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करें ताकि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो और हम एज ए नेशन आगे बढ़ सकें और मजीद तरक्की कर सकें सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट थैंक यू सो मच डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़ बाय